नाभा जेल ब्रेक मामले में अभी तक फरार कैदियों को लेकर सूबे की विरोधी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास कार्यक्रम डायरेक्ट विद दिनेश में कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने इसे साजिश करार दिया है, जबकि राज्य सरकार इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहा है। 100% गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट के थ्रू हुआ, नहीं तो हो नहीं सकता, नहीं तो सारे होम मिनिस्टर सारे रिजाइन करें। ये आरोप है कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू का नाभा जेल ब्रेक कांड पर। डायरेक्ट विद दिनेश प्रोग्राम में नवजोत कौर सिद्धू ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिना मिली भुगत के जेल ब्रेक कांड को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नवजोत कौर सिद्धू ने नाभा जेल ब्रेक मामले में सरकार से लेकर पुलिस अधिकारियों के रोल को कटहरे में खड़ा कर दिया। 100% गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट के थ्रू हुआ, नहीं तो हो नहीं सकता, नहीं तो सारे होम मिनिस्टर सारे रिजाइन करें। अगर सबसे मोस्ट सिक्योर नाभा जेल में ऐसे हो जाता है जी। और पुलिस अभी तक पकड़ नहीं सकती, तो ये इसका ये मतलब है कि जो पुलिस का एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं पंजाब कांग्रेस की इंचार्ज आशा कुमारी भी नवजोत कौर सिद्धू के इस बयान पर मोहर लगा रही है। जबकि पंजाब के कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका इस बयान को बेबुनियाद और तथ्यों से परे बता रहे हैं कि मिंटा को इन्होंने खुद ले गए और खुद ही पकड़ लिया, क्योंकि ये जेल ब्रेक बिना सरकार की कनाइवेंस के संभव ही नहीं है। ये पूरा इंसिडेंट जो है 7-8 मिनट में हुआ, एक हाई सिक्योरिटी जेल में उस कॉरिडोर को क्रॉस करके ये अंदर वाले तीसरे गेट पे पहुंचे। गेट की दूसरी पार वो लोग इनका इंतजार कर रहे थे, जो रूलिंग पार्टी उन्होंने छुड़ाया है, और हमें आशंका है कि चुनाव के दौरान उनका दुरुपयोग किया जाएगा। पार्टी भी सरकार हो, यह जा काम सरकार घटिया कोई भी नहीं करती होंगी। जेड़े भी कोई बंदे कहते हैं गलत कहते हैं, कोई भी पड़ताल हो जाए, कोई इंक्वायरी हो जाए, कदे भी यह चीज नहीं निकलेगी। यह जा गल नहीं कोई भी सरकार सोच सकती होंगी कि गैंगस्टरां नूं जेल दे विचों भजावे। ना सरकारां नूं कोई गैंगस्टरां दा फायदा हुंदा ते ना भजाउण च कोई फायदा हुंदा, ना सरकार इह जी घटिया गल कोई करे। यह टोटली रोंग प्रोपेगेंडा है। 27 नवंबर को नाभा की हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली नाभा जेल से 6 कैदी फरार हुए थे। हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि इस जेल कांड के मास्टरमाइंड परमिंदर सिंह को सबसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नाभा के जेल के कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई की, लेकिन अब एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जेल ब्रेक मामले में जेल से भागे 5 आरोपियों को नहीं पकड़ा जा सका है। विपक्ष इस मामले में प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो प्रदेश सरकार विपक्षियों को सियासत ना करने की नसीहत दे रही है। दिल्ली से पंकज कपाही और चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।